हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने सुबह से ही ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि जब सोचते हैं कि चलो बाद में कर लेंगे तो बस रह जाता है, ब्लॉग नहीं बना पाते हैं। इसलिए सुबह से ही मैंने वीडियो शूट करना शुरू कर दी है। और अभी समय हो रहे हैं 9 बज गए हैं, और चाय बना था और चीला बना था नाश्ते में। तो नाश्ता हो चुका है और खाना बनाना है। और यहाँ देखो इतने कपड़े लगे हुए हैं ना कि मुझे सारे कपड़े रखना है। बहुत ज़्यादा कपड़े हैं यहाँ, चारपाई पे कितने कपड़े पड़े हुए हैं, ये सब रखना है मुझे। और थोड़ा बहुत तो मैंने कपड़े ही धुल दिए थे सुबह सुबह ही, थोड़ा बहुत कपड़े धुलना बाकी। बच्चे अभी नहाए वगैरह नहीं, तो उनका कपड़ा नहीं धुले हैं। और हाँ फ्रेंड्स, इस समय तो बहुत अच्छी धूप निकलती है, इतनी अच्छी धूप है ना, इतनी तेज़ धूप होती है कि शायद बाहर निकल भी नहीं सकते हैं। ये क्या चमक रहा है, आप लोग को लग रहा होगा ना, तो ये शीशा जो छत में लगा है वही चमक रहा है, इससे ही रोशनी आती है। अब मुझे ना मेहंदी लगाने का मन कर रहा था। देखो मेरी हाथ है, सुनिए, तो मैं मेहंदी लगाऊंगी, हो सकता है समय मिल जाए तो आज ही मेहंदी लगा लूंगी। तो हाँ फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं किचन में। यहाँ पर एक नाश्ता बनाना है, मुझे नाम पता तो उसका नहीं है, पर चावल का नाश्ता है। पहले मैंने उसको उबाल लिया है, उसके बाद में नाश्ता बनाऊंगी। तो आप लोग बताना कि ये कैसा बना है, मुझे तो इसकी बिल्कुल आइडिया नहीं थी। यहाँ मैंने टमाटर पीस लिए, इसमें हरी मिर्च डाल दी, अदरक डाल दी, लहसुन डाल दिए, और टमाटर डाल करके मैंने इसे पीस लिया है। तो ये हो चुका है, शायद अभी हो नहीं चुका है, बस होने वाला है। और यहाँ शोभित बने हैं कैमरामैन, तो शोभित वीडियो ही बना रहे हैं, शूट कर रहे थे। तो मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी है और थोड़ी सी मिर्ची डाल दी है, और बहुत अच्छी नाश्ता बनी थी, एकदम से परफेक्ट नाश्ता बना था, मुझे बिल्कुल नाम नहीं मालूम था। तो हेलो गाइस, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। और हम हैं इस समय किचन में, तो बस कुछ बना रहे हैं। और सुबह मैंने चीला बनाया था और चाय बनाया था, बाकी कुछ नहीं बनाए थे। तो बच्चों को भूख लगी थी, वो समय हो रहे हैं 3, और आज तारीख है 26 मई, और आज बंदर आ गया था ना किचन में, तो बहुत उधम मचा दिया था। बेसन वगैरह हम ऐसे ही रखे थे प्लास्टिक पन्नी में, तो बस उसको अभी एकदम से बिखेर दिए थे, जैसे आता वैसे ही रखा था। और तो बहुत ज़्यादा मेहनत रहा, साफ सफाई करे, उसके बाद में फिर किचन का काम स्टार्ट करे हैं। सुबह तो खाना बनाने की तो बहुत तेज़ से भूख लगी थी, तो चावल के आटे से इसे हम बनाए थे। चावल का आटा पहले मैंने लगा लिया था, उसके बाद में छोटे छोटे बॉल बना करके पानी में उबाल दिए थे। बाकी प्रोसेस तो आप सभी ने देखा। तो इसमें अब हम डाल देंगे नमक, और अपने स्वाद के अनुसार डालना है, ज़्यादा हो जाएगा ना तो बिल्कुल नहीं अच्छा बनेगा, इसलिए थोड़ा कम ही रहेगा तो सही रहेगा। और ये थोड़ी सी सूख जाएगी जब इसे ढक देंगे, तो ये एकदम मिक्स हो जाएगी और बहुत प्यारा नाश्ता बना था। लेकिन जो टमाटर है, 4-5 टमाटर लगे थे, 1-2 में नहीं हुए थे, क्योंकि टमाटर इसमें ज़्यादा ऐड करे थे। और हमारा ये अच्छा सा नाश्ता अभी बन करके रेडी हो जाएगा। और इधर हम रख दिए थे चाय, चाय भी हो रहा था, तो इधर अदरक मैंने कहा चलो अदरक को कूट लेते हैं, तो बस अदरक ही कूट रहे थे।
चाय के साथ में अच्छा लगेगा। यहाँ टमाटर सॉस निकाल रहे हैं सुबित, इन लोग को ना ये सब ज़्यादा पसंद आता है, बच्चों को चटनी वगैरह ज़्यादा पसंद आते हैं, मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, इसलिए मैंने कहा था चलो खुद ले लो, ले जाकर खा लो। तो इनको मैंने दे दी है, अरे खुद निकाल रही है, खुद ले लेंगे। तो भी खाओ खाओ खाओ, देखो कैसा बना, कैसे लगा था, मस्त, फिर से बोलो, मस्त मस्त, एकदम मस्त बना है। अब भी खा लीजिए, पता नहीं कि मेरे में इतना ज़्यादा हल्का दिख रहा है ना, तो कितना हल्का है ये चटनी को देखे, चटनी भी हल्की दिख रही है। तो आप सभी के लिए तो इधर रखा है यहाँ, तो आप लोग आ जाइए और खा लीजिए। हो गई रेडी, और इसमें हम डाल देंगे चाय, अरे अरे थोड़ा सा और गिर जाए, सभी चोरी कर रहे हैं, चोरी। अच्छा लगा था ना, कैसे लगा था, ठीक लगा था, खा जी ना, अरे वाह कुल खा लेंगे ये। सिवा की बारी, सिवा खा के देखो, वो जल रहा है ना, देखो जल रहा है अभी, और शिवा जा रही है अब खाने। वेरी नाइस शिवा को। और चाय हमारी तैयार हो गई, कड़क पत्ती की चाय नहीं बनी क्योंकि गाढ़ी बहुत थी दूध, इसलिए अच्छी तो बनी, थोड़ा सा और हम डाल देते हैं, अच्छी बनी तो इसलिए सफ़ेद ज़्यादा दिख रही। तो हम भी चलते हैं थोड़ा सा खा लेते हैं, और आप लोग भी आ जाओ चाय पी लेना और खा भी लेना। तब हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।